नमस्कार आपन देखछन अर्गस अपडेट आपन स मो बिस्मी प्रथम हेडलाइंस मजपुर दीप्तिकांत हत्या घटना दीर्घ वर्ष पर भी नो एक्शन मंत्री प्रताप जेना गाड़ी आगे आत्महत्या करने को मृतकों भाई को चेतावनी राज्यपाल समेत गृह सचिव जिलापाल एसपी को लिखले नवरंगपुर तीन क्विंटाल 70 किलो गंजे जबत कंटेनर जयपुर अंचल बिहार चालाण होता सबुज जहर दुई अभियुक्त गिरफ डराउछि कोरोनार नुआ स्ट्रेन महाराष्ट्र केरल एवं तेलंगाना रे आक्रांत चिन्हट सेपटे मार्च 1 रु 60 वर्ष रु अधिक लोक को टीका घर हस्पिटाल टीका नेले देबाकू पड़िबो टंका कुजंग उल्लास जेना मर्डर केस रे परिवार लोकों संघातिक अभियोग अभियुक्त को सुरक्षा देउछंती दामो राउत और बीजेडी विधायक संबित राउतराय शासक दल एजेंट साजिछि क्राइम ब्रांच कमलास्थित बढ़ुची ताति राज्यर विभिन्न स्थान में गरम अनुभूत भुवनेश्वर सर्वाधिक 38 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड आग को हिटवेव नहीं सबु जिलापाल एसआरसी सतर्क चिठी आज कोविड कटक जोरंदा मेला दोली अपेरा समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम को बारण मास्क पिंधा और सामाजिक दूरता और रक्षा उपर गुरुत्व पुणि विवाद रे आईन मंत्री प्रताप जेना मंत्री महांगा ब्लॉक बाजपुर पंचायत आसले तांको गाड़ी आगे आत्महत्या देबाको चेतावनी एभली धमक देछंती बाजपुर पंचायत रो मृत दीप्तिकांत साहू को भाई दिलीप साहू एने से कटक जिला ग्रामांचल एसपी सालेपुर एसडीपीओ महांगा थाना अधिकारी कटक जिलापाल राज्यपाल गृह सचिव तहसीलदार को चिठी लिखिछंते 28 फेब्रुवारी 2014 रे बाजपुर पंचायत रे दिलीप को भाई दीप्तिकांत को हत्या करा जायतिला तबे मंत्री प्रताप जेना इशारे भाई को हत्या करा जायतिबा से अभियोग करछंते एपर्यंत काहेकि मुख्य अभियुक्त समेत मंत्री प्रताप जेना को गिरफ करा जाय नै बोली दिलीप प्रश्न करछंते नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे जहां सूचना रही नवरंगपुर विपुल परिमाण गंजे जबत विशेष सूत्र खबर पाए इंद्रावती नदी निकटस्थ चेकपोस्ट एक कंटेनर को अटकईला पुलिस जांच बेले गाड़ी तीन क्विंटाल 17 किलो गंजे जबत होता घटन दुई अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर नवरंगपुर पुलिस जयपुर अंचल बिहार अभिमुखे चोरा चलाण होता गंजे दुई अभियुक्त हेले बिहार कन्हई कुमार और बिटु कुमार बोली जमापड़े मयूरभंज जिला कुलियोना थाना बाईगुण बड़िया छक निकट में मर्मतुत दुर्घटना बाइक और साइकिल धक्का होई पिटी हेले ट्रैक्टर फल दुई जन मृत्यु होता बेले जड़े गुरुतर होती गुरुतर को स्थानीय युवक सहायत चिकित्सा पाए पीआरएम हस्पिटाल को स्थानांतरित कर दुई मृतकों मध्य जड़े कुलियोना हस्पिटाल आयुष डाक्तर डॉक्टर रामचंद्र मुर्मू होता बेले अन्य जनों परिचय मिल पारे ना स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंच तदंत आरंभ कर
दिनिकिया भद्रक जिला गस्तरे बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती तेबे ओढ़गंग ठारे मिश्रण पर्व भंडारी पोखरी रे बैतरणी नदी रे थिबा आखुआपद आनिकट को जाई बुली देखि छंती तेबे ब्रिटिश अमलरु तैयार होइथिबा आनिकट सठिक भाबे रक्षणाबेक्षण हे नथिबा अभिजोग करछि बीजेपी। सेपरी बाली पोखरी एसकेडएफ एवं कंटीघाई दे प्रतिवर्ष बन्या जल भंडारी पोखरी अंचल व्यापक क्षयति होउछि एहार स्थायी मरामती पाई राज्य सरकार को बारंबार कहा जाए कि सुफल होना जहाँ आगामी दिन में बीजेपी पक्षर दस्तखत अभियान चलो बोली बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती कहते जनसाधारण को सांगे नहीं कि आखुआपदा आनिकोट को ब्यारेज परिणत करवा दोफसली तीन फसली जो कथा चाषी मैंने उत्पादन करें ये कथा को जनसचेतनता करी करिया पे आमे दाबी रखुचु सरकार आकु तुरंत विलंब होइछि आउ विलंब न करी ये अंचल विकास आखुआपदा आनिकोट को मल्टीपर्पस ब्यारेज परिणत करंतु। मार्च एक रु वयस्क मान को दिया कोरोना टीका एने केन्द्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सूचना देते वर्तमान 60 वर्ष रु अधिक वयस्क व्यक्ति को कोरोना टीका दिया गंभीर रोग से आक्रांत 45 वर्ष रु अधिक वयस्क को भी टीकाकरण कर 10,000 सरकारी और 20,000 घर केन्द्र टीकाकरण कर सरकारी केन्द्र में टीका मगणार मिल तेज घर केन्द्र में टीका नेबापाई टंका देवाक पड़े तेज केते टंका देवाक पड़े से नहीं खूब शीघ्र निष्पत्ति हो प्रकाश कर एक मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है कोई ना कोई दूसरी बीमारी है ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे कोई भी हो उसको मुफ्त टीका लगेगा सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा और वो शुल्क कितना होगा कितनी फीस होगी तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। स्वास्थ्य कर्मी और सम्मुख योद्धा टीकाकरण पर वयस्क मान टीका मार्च पहलू वयस्क को टीका देवा केन्द्र सरकार निष्पत्ति नापर राज्य सरकार एथपाई अंटा भिड़ी एने बुधवार समस्त जिलापाल एवं महानगर निगम कमिश्नर मान को चिठी लिखिंट स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार महापात्र स्वास्थ्य विभाग चिठी अनुसार राज्य अधिक संख्यक वयस्क थमान टीकाकरण टीका केन्द्रगुड़ी प्रस्तुत कर सरकार कहते सप्ताह 5 दिन टीकाकरण व्यवस्था करा जिबो एथिपाई राज्यर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल कॉलेज आदि को प्रस्तुत रहबा को निर्देश दिया जाय छे। फेब्रुवारी 28 सुधा टीकाकरण संक्रांत समस्त कार्य शेष करबा को कहा जाय छे। आसवा परवर्ती खबर को हु होई बढ़ी चली छे तापमात्रा गत 24 घंटा मध्ये राज्यर अधिकांश स्थान रे दिनर तापमात्रा 2-3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाई 9 सहरर सर्वोच्च तापमात्रा 35 डिग्री ऊपर को रही राजधानी भुवनेश्वर राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 38 डिग्री पहुंचा बेले बारिपदार 36.8 कटक 36.6 नयागढ़ 36.5 बलांगीर 36.4 तापमात्रा रेकर्ड कर अनुगुल 35.7 तालचोर 35.5 भवानीपाटन 35.5
संबलपुर रे 35.3 डिग्री रेकर्ड करा जाय छे। केतक स्थान रे स्थिति एमिति होय छे जे दिन समय रे लोके घर पदा को बाहर पर नहंती। फेब्रुवारी मास रु एभल स्थिति होथिबारु आगो को स्थिति आउर संघातिक हेबा नै आकलन करा जाय छे। एको नजर रे रखी एसआरसी को कार्यालय पखरु समस्त जिलापाल को सतर्क करा जाय छे। संभाव्य हीट वेव स्थिति रा मुकाबला लागि प्रस्तुत रहबा को परामर्श दिया जाय छे। चिकित्सा नपाई रोगी मृत्यु एभली अभियोग आसी मालकानगिरी जिला चित्रकुंडा उपखंड चिकित्सालय मेडिकल दीर्घ समय धरी डाक्टर स्टाफ नर्स नथिबारु जरूरी चिकित्सा अभाव रोगी चलीगला जीवन। मृतक विजु नायक बोली जमापड़ी खेल पड़िया क्रिकेट टूर्णमेंट देखुवा बेले हठात छाती में जंत्रणा होबारु चित्रकुंडा उपखंड चिकित्सालय अणा जाता हेले से ही समय मेडिकल केवल आटेडा छड़ा कहीं डाक्तर कि स्टाफ नर्स नथिले। दीर्घ समय धरी डाक्तर न आसिबारु जंत्रणा बढ़िबारु युवक मृत्यु होता घटना को नहीं उत्तेजना प्रकाश पाइला चित्रकुंडा मेडिकल घेराव करते मृतकों संपर्क पर पुलिस पहुंची बुझासुझा करिबारु उत्तेजना थमिता। दिव्यांग युवती को एक प्रकार जहाँ सूचना रही कि दुष्कर्म अभियोग एभली लज्जाजनक घटना घटे कटक जिला बड़म्बा थाना गमई गाँव में घरे एकुटिया थिवार सुजोग नहीं संपर्क मामू जोर जबरदस्त दुष्कर्म करुथिबा अभियोग होईछि। घटना नहीं पीड़िता परिवार पक्षर थाना अभियोग पर बड़म्बा पुलिस अभियुक्त लोचन बेहरा बलों को अटक रखी तदंत चलाई। रायगढ़ जिला गुणपुर ब्लॉक कतागुड़ा गाँ निकट इरोडी घाटी आंध्र सरकार बेआईन रास्ता निर्माण करुवा प्रसंग विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसारित होगा पर वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर गिरिधर गमांग नेतृत्व में बीजेपी एक प्रतिनिधि दल घटनास्थल पहुंचे स्थिति अनुधान करने स्थानीय लोकों आलोचना करते अंचल ओडिशार किंतु गत छमास आंध्र सरकार पक्षर ओडिशा भितर प्राय 1.5 किलोमीटर रास्ता निर्माण करा प्रकाश करतीमधे कौन सरकारी अधिकारी हो कि स्थानीय लोके प्रतिनिधि घटना को नहीं नीरव दृष्टा साजिता जमापड़े। एटा हैला सारी मास होइछि सेठ आनला गोला वर्ष मार्च मास बंद कर देला एटी पर्यंत तापर आम ओडिशा लोक गरीब लोक बेसी अच्छा हेल्ले ओडिशा रे जागा ताई मध्य आंध्रा रे आसिक काम कर जमी बाड़ आंध्रा रे पटा कर जगार पार्लियामेंट पास कला एवं राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस देले सेठ आरंभ होइछि 1952 ठार् कि अंचल से निर्वाचन कर कोटिया इत्यादि कर डिस्प्यूट है चैलेंज कले कौन कले न कले कितु एति मुझेपरि डिस्प्यूट हूँ ये कन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट एटा 50% एरिया बाउंड्री भितर से पशी पारे ना एवं रेवेन्यू हिसाब से डिस्प्यूट अलग हो पारे गंजाम है गंजाम जो बोर्डर एरिया जी रही रेवेन्यू नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपर उल्लास जेना मर्डर केस रे सांघातिक अभियोग अभियुक्त को सुरक्षा देउछंती दाम राउत एवं पुओ संबित एभली संगीन अभियोग आनी उल्लास कमा एपरिकी थाना रे मिलुनी न्याय पुलिस साजिश शासक दल एजेंट बोली जहाँ से अभियोग कर क्राइमब्रांच भी मामलें चुप बसुच्छे तेरे पारादीप विधायक संबित को उल्लास कमा सब कथ जना वीडियो एवं भाइराल हो दाम राउत भी जानी दाम राउत पुओ संबित राउत सी भी हि केस रे संप्रत अच्छा आम कथा किसी भी बुझुना आपण मैंने बुझुद आम कथा
ତାକୁ ପଡ଼ିକିରି ମାରିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇବା ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିଲା। ତା ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷୟିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଆମେ ଗରିବମାନେ ଚାଲିଯିବୁ ସଂସାରରୁ। ବାପ ପୁଅ ଚାପ ପକାଇ ଚାପି ଦେଲେ। ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦାମୋର ରାଉତ ଓ ସମ୍ବିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ। ଥାନାରେ ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ, ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛି ପୋଲିସ। ଥାନାରେ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପିଛୁ। ନିରାଶ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରି ଗିରଫ ହେଲେ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇ, ଆଉ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ। 5 November 2016 ପଙ୍କପାଳର ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଆଉ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଉପରେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଏକ ଜାର୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବିଜେଡି ରାଲିରେ ସାମିଲ ଏହିମାନେ ଉଲ୍ଲାସକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସେତେବେଳର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ନେତା ଦାମୋ ରାଉତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏମିତିକି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ସବୁ କଥା ଜଣାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦାମବାବୁ ଦାବିକି ରଖିଛି ପଇସାରେ। ସାରାକାନ୍ତ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ଥରେ ଟିଭିରେ କହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉଛି ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ, ଏଇଟା ସତ। ଦାମବାବୁ ଆକୁ ଦାବିକି ରଖିଛି, ଦାମବାବୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ। ପୁଅ ଯାଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଦୁଆରମ୍ଭକୁ ଉଠିବ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ପିଆନ ଜଣେ କହିବ, ଦାମବାବୁ କହିଥିଲ, ଦାମବାବୁ କହିଥିଲ। ପୋଲିସ କାହିଁକି ଶୁଣୁନି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଦାମ ରାଉତ ଉପରେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାରେ ନାରାଜ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦାମ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ତମ କଥା। କିଛି କ'ଣ କଥା ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଯାହା ଉପରେ ବିଜେଡି ଏଇନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଦେଢ଼ୁସୁରକୁ ନିହାତି ଖଲାସ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲେ, ମାମଲା ଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ, ହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଚୁପ୍। ବାରମ୍ବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନିରାଶ ହେଲେ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଅପରାଧୀ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ଶୂନ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଜବାବ ରଖିବେ କି? ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବୋଲି ଗିରଫ କଲ, କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯୋଉ ପରିଘଟଣା ସେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ପାଣି ବି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁହ, ଅମକ କୁହ, ଧମକ କୁହ, ଏଣେ ଦେଖ ମହାଙ୍ଗା କେସ ରାଧନାଥଜୀ ଚକ୍ରଭରେ କେହି ପାଇବେନି। 22 ବର୍ଷ ପରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବିପନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କରି ବାହାବା ନେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଉଲ୍ଲାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିପାରିନି ପୋଲିସ। କୁଜଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ଛିବୁଲି ଡୁଙ୍ଗି ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।